भोपाल में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने बजट में महिलाओं को कुछ नहीं मिलने का आरोप लगाया और बीजेपी कार्यालय पहुंचकर मंत्री राघवेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में जो बजट पेश किया गया है उस बजट में महिलाओं के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किए गए हैं। यह हमारा नहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल का कहना है। विभा पटेल आज कांग्रेसी महिलाओं के साथ बीजेपी कार्यालय पर पहुंच गई और भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नाम ज्ञापन दिया। साथ ही भाजपा अपने वादों को भूले नहीं इसलिए ज्ञान वर्धक चूर्ण भी दिया। भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव के दौरान संकल्प पत्र लॉन्च हुआ था उसमें आदरणीय वीडी शर्मा जी भी उपस्थित थे, लेकिन आज उनके मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें ना तो महिला सुरक्षा की बात है, लाडली बहनाओं को जो 3,000 देने की इन्होंने बात की थी उसका कोई उल्लेख नहीं है, 450 में गैस सिलेंडर की बात की थी वो भी नहीं है, और इसके साथ साथ महिला सुरक्षा के लिए जो प्रावधान होने चाहिए थे वो भी नहीं है, रोजगार की बात नहीं है। तो जो संकल्प पत्र में वादे थे वो हम इनका संकल्प पत्र इनको हमने दिया है, स्मरण पत्र के माध्यम से हमने बीडी शर्मा जी से निवेदन किया है कि वे भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया हैं, शायद उम्र कम होने के साथ उनकी कुछ याददाश्त कमजोर पड़ी हो, तो हमने उन्हें शंखपुष्पी भी भेंट की है, वो अपने परिवारजन से जो गलती हुई है मोहन यादव जी से वो गलती दुरुस्त करवाएं, जो प्रावधान के करने के नाम पर ये शासन सत्ता में आए थे वो प्रावधान करवाएं, ये आदरणीय बीडी शर्मा जी की जिम्मेदारी है। इस पर भाजपा कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार रही तब कुछ नहीं किया गया, हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट रहा है। उन्होंने कहा प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष विभा पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नाम से जो ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन उन तक पहुंचा दिया जाएगा और अगर सुझाव में कुछ अच्छा होगा तो हम उस पर अमल भी करेंगे। कांग्रेस खुद तो कुछ करती नहीं है, जब वो सत्ता में रहे उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन केवल दूसरों को सुझाव देती रहती हैं। हमारा जो कल मध्य प्रदेश का बजट जो आया है वो अभी तक का सबसे ऐतिहासिक बजट है। मुझे लगता है कांग्रेस की उसी में से कोई कुंठा रही होगी, लेकिन उन्होंने कोई सुझाव दिया तो हम सुझाव का स्वागत करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं मध्य प्रदेश के हित में जो जो चीज़ें हैं सबका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी उसको करेगी। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नाम से है, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष को भेज देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।